हम एक ग्रुप मेंबर्स, छह ग्रुप मेंबर्स हैं। छह ग्रुप मेंबर्स ने एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेके उस पर एक प्रोजेक्ट बनाया है। मेरा नाम सोहेल पठान। मेरा नाम पटेल है। मैं सत्यु शर्मा। मेरा नाम और ये पूरा प्रोजेक्ट हमने अंडर द गाइडेंस ऑफ बेलूर सर के गाइडेंस के नीचे किया है और ये प्रोजेक्ट का आउटपुट भी हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में, बने रहिए। तर नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझे नाव सोहेल राजेश पठाण आणि मी इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमचा विद्यार्थी। आपल्या समोर आज स्विच गियर आणि प्रोटेक्शन या सब्जेक्टचा आमचा जो मायक्रो प्रोजेक्ट आहे तो मायक्रो प्रोजेक्ट तुमच्या समोर आम्ही प्रेझेंट करणार आहे। तर फर्स्ट ऑफ ऑल मायक्रो प्रोजेक्ट विषयी सांगतो। आमचं मायक्रो प्रोजेक्ट आहे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। आता शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हा काय इम्पॉर्टंट आहे हे मी थोडंसं सांगतो। आपण डेली रुटीनमध्ये जे आपण मशिनरीज यूज करतो मग त्याच्यामध्ये मोटर्स असतील, मोठमोठे जनरेटिंग स्टेशन असतील, ट्रान्समिशन लाईन्स असतील, डिस्ट्रीब्युशन लाईन असतील, त्याच्यासाठी आपण काहीतरी त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण काहीतरी डिव्हाइस लावतो। तर ते डिव्हाइस आम्ही कॉम्पॅक्ट प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आम्ही तेच दाखवणार आहे। तर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हे काम कसं करतं, तर प्रत्येक सिस्टमला आपण प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्याला रिले असतात, सर्किट ब्रेकर असतात। रिलेचं काम सेन्सिंग डिव्हाइस असतं। जेव्हा रिले ऑपरेट होतो तेव्हा तो सर्किट ब्रेकरला मेसेज करतो की काहीतरी फॉल्ट झाला आहे, तर मग सर्किट ब्रेकर त्या प्रकारे त्याला शॉर्ट सर्किट करून शॉर्ट सर्किटला सेन्स करून हेल्दी पार्ट आणि फॉल्टी पार्ट वेगळा करून ते आपल्या सर्किटला प्रोटेक्ट करते। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मध्ये यामध्ये आम्ही एक लिथियम बॅटरी, एक पुश बटन आणि एक रिले 9 व्होल्टचा रिले आणि 2 LED आणि 1 मोटर यूज केलेली आहे। बेसिकली हे पूर्ण एक कॉम्पॅक्ट वेसर आहे। जेव्हा म्हणजे एखादा फॉल्ट कोणत्या मोटरमध्ये आला तर आपण हे सिस्टीम लावून त्याला प्रोटेक्ट करू शकतो। 5 व्होल्ट की उससे हमने सप्लाय लेवाला है और एक पुश बटन को देवाला है। रिले के 3 टर्मिनल है स्टार्टिंग को। ये 2 रिले कॉइल है और बीच में का कॉमन बेस है और ये जो लास्ट के 2 टर्मिनल है एक नॉर्मल को ओपन एंड एक नॉर्मल क्लोज है। पहले शुरू हमने जो पुश बटन है तो उसका सप्लाई उसको सप्लाई दिए और बाद में उसका एक टर्मिनल रिले के नॉर्मली ओपन को दिए और नॉर्मली क्लोज के दोनों साइड को 2 LED लगाए और उसको एक शॉर्ट करके रेजिस्टेंट दिए। रेजिस्टेंट हमने इसके वास्ते दिए कि ये सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब LED इतने जल्दी टूट ब्लास्ट नहीं होंगी। फिर उसके बाद हमने जो LED के जो आउटपुट है वो हमने मोटर को दे वाले हैं। जैसे नॉर्मली में वो मोटर रन रहेंगी और ये 2 टर्मिनल दे वाले हैं। अगर रेड चालू रहा तो बोले तो ये सर्किट नॉर्मली है और जब ग्रीन चालू हुआ तो ये सर्किट में कुछ तो भी फॉल्ट आया और सर्किट बंद हो जाएंगे। सर्किट का स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि ये लिथियम बैटरी है 3.5 वोल्ट की। इसमें हमने रिले यूज़ किया है 5 वोल्ट का। टॉगल स्विच है, रेजिस्टर है 1K, 2 LED लगाई हुई है और मोटर है 4 वोल्ट की मोटर। तो दोस्तों जैसे कि पटेल कैफ ने बताया आपको कि हमने सर्किट को रन करने के लिए हमने लिथियम बैटरी ली है। तो लिथियम बैटरी जो है तो 3.5 वोल्ट के लिए हमने, क्योंकि सर्किट में जो कंपोनेंट्स है हमारे तो ज़्यादा वैल्यू के नहीं है इसलिए हमने 3.5 के लिए। उसके बाद हमने इसमें रिले कनेक्ट किया है 5 वोल्ट का। रिले 5 वोल्ट का कनेक्ट किया है। रिले का काम क्या रहता है कि फॉल्ट को सेंस करना। अगर आपके सिस्टम में अगर कहीं पर फॉल्ट आ जाता है, अगर आपके लाइन टू लाइन टच हो जाते हैं, लाइन टू ग्राउंड टच हो जाते हैं, तो रिले उस फॉल्ट को सेंस कर लेता है। रिले इज अ सेंसिंग डिवाइस। इट इज अ सेंस द करंट, सेंस द फॉल्टी करंट एंड इट इज अ सेंड टू मैसेज टू सर्किट ब्रेकर to isolate the faulty part and healthy part and protect the our system. Dolby menus. Purna dakwa. Shortcut.